Hello students, I am Anupama Singh from SPS Children Academy. Today we are going to learn insects. Insects name. आपके घर में या आपके आसपास बहुत सारे insects होते होंगे, लेकिन आप उनके name नहीं जानते, पहचानते भी नहीं होंगे. Insects means होता है कीड़े मकोड़े, जो आप देखते हैं कि कीड़े मकोड़े ज़मीन पे या इधर उधर दिखते हैं. वो कैसे दिखते हैं, हम उनकी पहचान भी करवाएंगे और उनकी उनके नेम भी बताएंगे विथ स्पेलिंग राइट भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कीड़े मकोड़े बहुत अजीब अजीब से होते हैं. कुछ तो देखने में अच्छे लगते हैं, कुछ को देख के जैसे घृणा आती है, कुछ को देख के आप डर जाते हैं. कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, उन्हीं को हम इंसेक्ट्स करते हैं. जैसे कि आप बेड बग देखो तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना. सो स्टूडेंट्स, बट बटरफ्लाई देखो तो कितना अच्छा लगता है, उसको आप पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं. और हनी बी कैसी लगती है, वो जब ऐसे हमको कट कर लेती है तो कितना पेन होता है हनी बी से. ऐसे ही डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं. अभी हम उनके बारे में आपको बताएंगे कि ये इंसेक्ट कौन सा है और इसका नेम क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट. ओके, हनी बी, दिस इज हनी बी. Look at this is honeybee. आप honeybee देखे हो, honeybee means होता है मधुमक्खी. And the spelling of honeybee H-O-N-E-Y-N-B-E-E. The spelling of honeybee, H-O-N-E-Y-B-E-E. This is honeybee. Honeybee means मधुमक्खी. मधुमक्खी आपने देखा है, पेड़ पे छत्ते लगा के ढेर सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं और वो हमें क्या देती हैं, हनी देती हैं, शहद, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. ओके, मधुमक्खी क्या देती है हमें, शहद देती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट This is ant. Yeah, ant है. Ant means चींटी. आप चींटी देखे हैं, आप ant देखते होंगे आपके घर में, वॉल पे ऐसे चलती हैं और ऐसे फर्श पे भी चलती रहती हैं. ढेर सारी चींटियाँ एक साथ झुंड बना के चलती हैं, एक के पीछे एक रहती हैं. जैसे लगता है कि कहीं जा रही हैं वो लोग साथ मिलके. लेकिन वो कट भी करती हैं. चींटियाँ दो कलर की होती हैं, रेड एंड ब्लैक. आप देखते हैं रेड वाली जब कट करती है तो बहुत पेन होता है, लेकिन उनको देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे एक साथ मिलके चलती हैं. और पता है इतनी छोटी सी होती हैं, लेकिन वो इतने बड़े काम साथ मिलके कर लेती हैं. जैसे ये मारकर चींटी इधर से उधर कर सकती है, एक चींटी नहीं, अगर ढेर सारी चींटियाँ मिल जाएं और उसको ऐसे ऐसे पुश करें, सपोज दैट ऐसे ऐसे से उसको सब लोग मिलके खिसकाने लगेंगे तो वो खिसकती जाएगी. तो एक इतनी सी छोटी चींटी इतना बड़ा काम कर सकती है. तो आप भी तो छोटे से हो, अगर आप सब लोग मिलके कोई बड़ा काम करना चाहोगे तो वो हो सकता है. चींटियों से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है. So, this is
aunt. The spelling of aunt: A N T. A N T. This is a aunt. The spelling of aunt: A N T. Chitty. Okay, students. Next. This is butterfly. This is butterfly. The spelling of butterfly: B U double T E R. Butter. F L Y. Butter fly. The spelling of butterfly: B U double T E R F L Y. Butterfly. Butterfly means तितली. रंग बिरंगी तितलियाँ देखने में कितनी अच्छी लगती हैं. जब आप गार्डन में जाते हो तो रंग बिरंगी तितलियाँ ऐसे फ्लाई करती रहती हैं, तो देखने में कितना अच्छा लगता है. आप उनको छूना चाहोगे, उनके साथ खेलना चाहोगे, चाहते हो ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं रंग बिरंगी तितलियाँ. आई होप आपको भी लगती होंगी. लेकिन तितली तो आप जानते हो, या उसे आप बटरफ्लाई कॉल करते होगे, बुलाते होगे, या तो तितली कह के बुलाते होगे. लेकिन व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बटरफ्लाई? सो द स्पेलिंग ऑफ बटरफ्लाई: बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई मीन्स तितली. तितली अच्छी लगती है ना? तो जितनी अच्छी तितली लगती है, उतनी जल्दी आप बटरफ्लाई का स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, करेंगे ना? यस, वेरी गुड. नेक्स्ट. दिस इज स्पाइडर. दिस इज स्पाइडर. दिस इज स्पाइडर. द स्पेलिंग ऑफ स्पाइडर: S P I D E R. Spider. Spider means मकड़ी. एक आप लोगों का कोई कार्टून भी आता है ना, Spider-Man. Spider-Man आप लोग बहुत तो उसको लाइक करते होंगे. लेकिन स्पाइडर मीन्स जानते हो क्या होता है? स्पाइडर मीन्स मकड़ी. वो मकड़ी आप अपने घर पे देखते होंगे, जाला बना देती हैं मकड़ियाँ, चलती रहती हैं ऐसे वॉल पे, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, कभी कभी तो इतनी बड़ी बड़ी मकड़ी देखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, स्पाइडर. स्पाइडर मीन्स मकड़ी. द स्पेलिंग ऑफ स्पाइडर: एस पी आई डी E R. Spider. Okay. Next. This is mosquito. This is mosquito. The spelling of mosquito: M O S Q U I T O. Mosquito. The spelling of mosquito: M O S Q U I T O. This is bed bug. This is bed bug. The spelling of bed bug: B U, sorry, B
द स्पेलिंग ऑफ बेड बग बी ई डी बेड बग बी यू जी बग द स्पेलिंग ऑफ बेड बग बी ई डी बी यू जी बेड बग द स्पेलिंग ऑफ बेड बग. बेड बग मीन्स खटमल. ये भी हमको कट करता है. खटमल भी हमें काटता है सोते वक्त. बिस्तर में होता है ये खटमल. कभी कभी बिस्तर में पड़ जाते हैं ये खटमल. आ कहीं से आ जाते हैं जो हमको काटते हैं तो हम रात भर सो नहीं पाते. दिस इज बेड बग. ओके नेक्स्ट. दिस इज हाउस फ्लाई. दिस इज हाउस फ्लाई. एच ओ यू एस ई हाउस फ्लाई. एफ एल वाई हाउस फ्लाई. द स्पेलिंग ऑफ हाउस फ्लाई एच ओ U S E F L Y house fly. House fly means मक्खी. घरेलू मक्खी. तो इसको तो आप जरूर ही देखे होंगे. आपके घर पे मक्खियाँ उड़ती हैं ना, परेशान करती रहती हैं. ये भी हमें कट करती हैं मक्खियाँ. ये इंसेक्ट भी कट करता है हमको. इसकी स्पेलिंग है H O S E F L Y house fly. आप देखे house fly ना. Yes, very good. This is house fly. Next, this is earthworm. This is earthworm. The spelling of earthworm E E A R T H earthworm. W A R M earthworm. The spelling of earthworm. This is earthworm. The spelling of earthworm E A R T H W A R M. earthworm means केचुआ, जिसको आप बरसात के मौसम में देखते होंगे. रेनिंग सीजन में ये फर्श पे मीन्स जमीन पे दिखता है. ये जमीन के अंदर रहता है. जब बारिश पड़ती है तो ये बाहर निकल जाते हैं और ऐसे ऐसे चलते हुए दिखते हैं हमको अधिकतर बारिश के सीजन में. ओके स्टूडेंट, दिस इज अर्थ वार्म. नेक्स्ट, दिस इज स्नैक. दिस इज स्नैक. यस, द स्पेलिंग ऑफ स्नैक यस एन एस एन A K E snack. This is a snack. The spelling of a snack S N A K E. Snack means सांप. ये तो सबसे जहरीला होता है. जब हमको कट कर लेता है, काट लेता है तो हम क्या होते हैं, कभी कभी बच भी जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं. इसमें बहुत जहर होता है. इससे हमको बच के रहना चाहिए. दिस इज स्नैक. स्नैक तो आप देखे होंगे, नहीं देखे, बहुत जहरीला होता है. सो दिस इज स्नैक. यस एन ए के ई स्नैक. दीज आर सम इंसेक्ट्स ने.
ओके, आपने क्या पढ़ा? इंसेक्ट्स ने उनकी पिक्चर भी देखी, तो इससे आपको पहचान में भी आ जाएगा कि ये इंसेक्ट है और ये कौन सा इंसेक्ट है और इसका क्या नाम है। आप कहीं देखेंगे तो बोल देंगे ना कि दिस इज बटरफ्लाई, दिस इज स्पाइडर, तो आप पहचानेंगे तभी तो बता पाएंगे। इसलिए हमने आपको पिक भी दिखाई, उसके नेम भी बताएं और उसकी स्पेलिंग भी राइट की। आई होप आप लोग पहचान लिए हों।